दो गल्लां याद रखियो कि भट्ट जिहड़े सन ये ब्राह्मण ने, जिहड़े राजपूत सन इन्हां दे घरां विच भट्ट सिफतां करदे हुंदे सन, मुसलमानां दे घरां दे विच मिरासी सिफत करदे हुंदे सन। पर गुरु साहिब जी ने कृपा कीती, ये भट्ट साहिबान जदों गुरु जी कोल आए, ये आम बंदे नहीं सन गुरमुखो, ये सच दे ढुंडाऊ सन, ये रूखानीयत दा सुख लभदे पए सन। इन्हां कोल विद्या सी, इन्हां कोल कविता सी, इन्हां कोल शब्दावली सी, ये भाषा दे गूढ़ ज्ञानी सन। पर जदों सतगुरु दे दरबार विच आए, इन्हां ने अपने अंदर दी मनशा दसी गुरु अमरदास दी सिफत विच, रहो संत खो टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्या मुखो ए पंडित मिठे, बरस एको फिरो किना ना परचो लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुण को क्या कहूं, गुरदई मिलायो भिख्या जीव तू रखे तिव रखो। हुण ये जदों सवैया सी पढ़ने, इहदे विच भट्ट साहिब अपनी प्रैक्टिकल गल कह रहे कि असी विद्वान भी देखे, असी ज्ञानी भी देखे, असी तप करन वाले भी देखे, असी मुखो मिठा बोलन वाले पंडित भी देखे, असी संत भी देखे। गल्लां इन्नियां मिठियां सन कि गल्लां नाल प्रभावित करदे सन, पर जिहड़ी चीज़ असी मंगनी चाहते सां लभदे सां, वह सच्ची मुची गल्लां नाल तां बहुत सानू रिझा गए, पर रहत को खुशी ना आयो, उन्हां दे जीवन विच्चों सानू सकून नहीं मिलिया। फिर भट्ट जी कहिंदे ने अकाल पुरख ने कृपा कीती, सानू गुरु नानक जोत नाल मिला दिता, जिन्हां दी कृपा नाल साडे अंदर दी तृप्ति हो गई। मैं आप नूं बेनती फिर दोबारा कर लगा कि भट्ट साहिबान ने फिर गुरमुखो पंज गुरु साहिबाना दी सिफत विच सवैये कहे, गुरु नानक साहिब जी, गुरु अंगद साहिब जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी ते गुरु अर्जुन देव जी। 123 सवैये ने भट्टां दे, क्योंकि भावें कल नूं अगे इन्हां गुरमुखा भट्टां दे सवैयां च प्रकरण दिता है, पर अज मैं थोड़ी जी बेनती ये भूमिका च करनी चाह। 123 सवैये भट्टां ने उचारण किए आ, इन्हां विच्चों गुरमुखो 63 सवैये गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास ते गुरु अर्जुन देव। 63 सवैये चार गुरु साहिबाना दी सिफत विच ने, 60 सवैये केवल सोढ़ी पातशाह धन गुरु रामदास दी सिफत विच ने। भट्ट साहिबान ने 60 सवैये उचारण किए, जिहड़ा सवैया आप जी ने प्रकरण रखे है, ये 54वां सवैया है। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, क्योंकि 60 सवैये ने, यह 54वां सवैया है भट्ट साहिबान जी का। थोड़ी जी मैं आप नूं जिहड़ी बेनती कर लगा, जिहड़ा 60वां सवैया है गुरु रामदास दी सिफत विच, उंज तां बहुत चंगा है, प्रबंधक वीर बैठे आ, मैनेजर साहब। मेरे मन च कई बार आउंदा है कि जे आपां सोच के तुरीए, कदी समा आवे सकारात्मक सोच रख के, जिथे सवेरे हुक्मनामे दी विचार हुंदी है, संध्या नूं विशेष प्रोग्राम लाइव होवे जिहदे विच सतगुरु दी सिफत विच जिन्ने सवैये भट्टां ने उचारण कीते ने, लड़ीवार उन्हां सवैयां दी विचार जरूर होवे, कि संगत नूं पता लगे कि सतगुरु दी सिफत विच किन्ने कु बचन कहे। हुण जिहड़ा 60वां सवैया है, उहदी शुरुआत विच भट्ट कहिंदे ने, तू सतगुर चौ जुगी आप आपे परमेसर। गुरमुखो कहिंदे ने कि धन गुरु रामदास महाराज जी, आ सतयुग त्रेता द्वापर ते कलयुग, सच एवे चारा युगां विच तुसी आप ही हो, मेरे वास्ते जे परमेश्वर है वह धन गुरु रामदास सच्चा पातशाह। थोड़ा जिहा इस गल नूं मैं, क्योंकि आउणा है सवैये ते जो भाई साहब ने उहने गुरमुखा अनाउंस किया, एक मन च सवाल उठेगा, असी तां अकाल पुरख नूं जपने, आरंभता साडी इत्थों हुंदी है, जप आदि सच जुगाद सच खै पी सच नानक होसी पी सच, अकाल पुरख नूं जपो। जां आपां पाठ करने आ कि बारंग बार बार प्रभ जपिए, वार वार परमात्मा नूं जपो, जां असी पाठ करने आ महाराज जी दा, जपो तां एको नामा अवर निराफल कामा, आ पाठ करने आ, जप मन सत नाम सदा सत नाम। अगली गल होर, जदों सिमरन दी गल चलदी ते महाराज
शुरुआत कर दिया सुखमनी साहब जी की, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माए मिटावो, सिमरो जास बिसम पर एक है नाम जपत अगंत अनेक है, वेद पुराण सिमरत सुधा कर कीना राम नाम एक आखर। हुण उत्थे सिमरन प्रभु का जिक्र कर रहे महाराज, ओदा प्रभु दे सिमरन का वार वार जिक्र कर रहे, पर इत्थे कहा जा रहा है कि गुरु रामदास जी नू सिमरो। इस नुकते नू ध्यान नाल सुनियो गुरमुखो, फिर एक पासे क्या रहा जा रहा है कि जप आदि सत जुगाद सच, जप मन सत नाम सदा सत नाम, जा पाठ करने सो ऐसा हर त्याई मन मेरे जो सब ना ऊपर हुक्म चलाए, ते दूजे पासे बाणी च भट कह रहे ने जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन घर बनायो। थोड़ी जिस मेरी बेनती नू ध्यान सुनियो जी, मैं कोई साख ही नहीं ली, मैनू पता आप सूझवान संगत हो अमृतसर दी, रोज सवैये सुनदे हो गुरमुखो, इत्थे क्यों गुरु साहिबान नू कहा जाए सिमरो उन्हां नू जपो। सब तो पहला गुरु अर्जुन देव जी ने यह सवैये दर्ज करके साडे अंदर दे शंके खत्म कर दिते कि जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना, हां के बल 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 सदब लिखा। मैं सिर्फ दो तुकां लईआं इहदे विच, गुरु अर्जुन साहब कहिंदे ने गुरु नानक साहब परमात्मा दे वर्गे ने, उन्हां दे समसर ने, ब्रह्म समसर ने, वह परमात्मा दे दर ते प्रमाणिक ने। सच एवे कि उन्हां दा जिहड़ा कोई नाम जपदा है उहनूं सकून मिलदा है। गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच समरथ गुरु की जदों सिफत की गई, सच एवे उहनूं गुर परमेश्वर जाण के सिफत की गई है। इस बेनती नूं फिर मैं रिपीट करांगा गुरमुखो, देखो तीन क गल्लां ने। एक बारी सिख पंथ विच इहदी चर्चा भी उठी सी कि इह जी भट्ट साहिबान दे जिहड़े सवैये ने, क्योंकि आपां नैगेटिव नहीं चलना, थोड़ा जिहा इशारे मात्र, इहदे विच तां सिफत की गई गुरु साहिब की सिफत ते परमात्मा की करनी, पर याद रखो कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच जिथे पार ब्रह्म परमेश्वर की सिफत की गई, उत्थे परमेश्वर का शब्द लियाउण वाला समरथ सतगुरु उहदी भी सिफत की गई। एक पार ब्रह्म परमेश्वर की सिफत है, दूसरी गुरु ग्रंथ साहिब विच गुर परमेश्वर की सिफत है। फिर लफ्ज गुर परमेश्वर असीं एक पाठ करने हैं, परमात्मा का तो कोई चक्कर चिन्ह कोई नहीं जी, पर यह भी है जे नहीं तो है भी, जिमें आप सोलहवीं अष्टवदी का पाठ करते हो, रूप ना रेख ना रंग किछ त्रयों गुण ते प्रभ भिन्न, परमात्मा का कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं, कोई रंग नहीं, कोई तीन गुणा चो रजगुण तम गुण सतगुण कुछ लागू नहीं हुंदा। आम बंदा सोचेगा भी जिहदा रूप नहीं रेख नहीं रंग नहीं तो है, महाराज कहिंदे है जरूर, पर समझ उहनूं पैंदी है जिहदे उत्ते वाहिगुरु जी की प्रसन्नता होवे। रूप ना रेख ना रंग किछ त्रयों गुण ते प्रभ भिन्न, तिसें बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। मैं थोड़ा जिहा भूमिका ज्यादा चला गया, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच जे आप जी ये भी शब्द कह दोगे धन गुरु नानक साहब जी, याद रखियो वह आकार था नहीं जाना, वह शब्द भी सिमरन के रूप में रब की दरगाह में स्वीकार होगा। जे आप ये शब्द के हुणे सी पढ़ांगे कि धन धन गुरु रामदास जी, शरदा नाल भिज के कह दोगे, सच एवे ये भी ओना ही फल रखेगा जिन्ना असी वाहगुरु शब्द को बोलन का रखने। थोड़ा जिहा इस बेनती जदों असी सुल्तानपुर की घटना पढ़ने, गुरु नानक साहब वहीं च प्रवेश करते, उस वक्त जन्म साखी वालिया ने कोई शब्द सांभे, अकाल पुरख के दरगाह जाण का जिक्र किया जाता है। साखीकार ये कहिंदे ने कि महाराज वहीं च गए, निकले नहीं, तीन दिन बाद बार आए। कई ने कहा पार वाले पासे चले गए, आधुनिक विद्वान जिहड़े ने वह होर तरीके व्याख्या कर लगे, पर जन्म साखी वाले ने गल कही, वह कहिंदा पार ब्रह्म परमेश्वर के दर तो रहमता लईआं। फिर सुनियो जिन्हों भाई साहब ने कहा पहला बाबे पाया बख्श दर, पिछों दे फिर काल कमाई, रेत अक आहार कर रोड़ां दी गुर करी विछाई, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हंस हरसों बनाई, बाबा पैदा सचखंड नौनिद नाम गरीबी पाई। जे थोड़ा जा होर आपां देखिए, एक मांझ की वार दी अखीर वाली पौड़ी है,
हों ढाडी वेकार कार लाया राह द्यों कै वार तुरों परमाया। महाराज कहते मैनू ढाडी नू परमात्मा ने तुर दरगाह तो यह सिफत करन दा हुक्म कीता है। मैं आप नू बेनती करा उत्थे जन्म साखी वाला परमेश्वर दे मुख तो जा कह लो ये अलाही नाद राही शब्द कह रहा है कि पार ब्रह्म परमेश्वर ने तीन शब्द कहे। वह शब्द ने कि गुरु नानक साहब जी मुखातब करके जिस ऊपर तेरी नदर तिस ऊपर मेरी नदर। मैं थोड़ा जा इतिहास का हवाला ले लिया। परमेश्वर कह रहे हैं जिस उत्ते साड़ी नदर होगी उस उत्ते समझो गुरु नानक की नदर, जिदे उत्ते गुरु नानक की नदर समझो रब की नदर। फिर सुनियो परमेश्वर कह रहे हैं जिस ऊपर मेरी नदर तिस ऊपर तेरी नदर, जिस ऊपर मेरा करम, करम फारसी का लफ्ज इत जी बख्शिश, यदा अर्थ गुरु नानक साहब जी न कि जिस उत्ते मेरी बख्शिश होगी सच एवे ओदे उत्ते तेरी बख्शिश, जिदे उत्ते तेरी बख्शिश होगी ओदे उत्ते मेरी बख्शिश होगी। ये लफ्ज फिर सुनियो जिस ऊपर तेरी नदर तिस ऊपर मेरी नदर, जिस ऊपर तेरा करम तिस ऊपर मेरा करम। अगला शब्द है मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर तेरा नाम गुर परमेश्वर। ये लफ्ज सुन वाले मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर तेरा नाम गुर परमेश्वर। ते गुरमुखो मैं अपने कोलो कोई शब्द नहीं कह रहा, आ पाठ है गुर करता गुर करने जोग गुर परमेश्वर है भी खोग। सच एवे के पट साहबान जी ने जदो सिफत की उन्होंने गुर परमेश्वर जान के सिफत की। यही कारण कि गुरु रामदास जी दे स्वरूप नू बदन नू इस तन नू सच्ची जे मैं स्पष्ट खोल के करा कहिंदे ने लोको परमात्मा ने जेड़ी देही धारण की उस देही दा नाम धन गुरु रामदास है। महाराज जी दे शब्द ने जिवें असीं पढ़िया तू सतगुर चौ जुगी आप आपे परमेश्वर, उहदे विच इक बचन है प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरण। गुरमुखो आप गुरु रामदास दे घर च रहण वाले इनू वड्डी शरदा कितों लैके आवांगे, एडी वड्डी शरदा बन जाए ते एक लफ्ज कहो ते पार उतारा। भट्ट साहब कह रहे ने पार ब्रह्म दी प्रतख दे जे किसे देखनी उहदा नाम धन गुरु रामदास सच्चा पातशाह है। प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप जिहड़ा सब दा मुढ ने परमात्मा जी, पोखण भरणंग जिहड़े सारे जीवां दी पालना करके उहनां दी परवरिश करदे ने उसदा नाम धन गुरु रामदास है। मैं इस करके बेनती की कि गुर परमेश्वर जान के गुरु रामदास की सिफत की। 54वां सवैया है थोड़े जे दे आपां अर्थ कर लीए। पहला बचन है क्योंकि सबजैक्ट दे गुरमुखां दिता है सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो। अर्थ बड़े सौखे ने जी, बड़े सरल ने कि सोई रामदास गुर बल भण, बल भण दर ते भट बल जी बोल के कह रहे ने आख रहे लोको जिन्हों कह रहे हैं सिमरन करो उस गुरु का नाम धन गुरु रामदास है। क्योंकि इस तुक दे अर्थ पहलियां तुकां तो बिना नहीं हो सकते। आप सूझवान बैठे हो सब्जेक्ट भावें आपने रख दिता है सोई रामदास गुर बल भण, पर सोई दे अर्थ लभण लई उतलियां तुकां पढ़नियां पैणगियां। किहड़ा गुरु सोई दा अर्थ है ओ गुरु, किहड़ा गुरु उत्थे फिर सतगुरु कहिंदे जे सतगुर सिमरंत नैण के तिमर मिटै खिन। जे सतगुर इत्थे लफ्ज नहीं क्या गुरु रामदास, इहदा अर्थ हो गया जिस सतगुरु का सिमरन कीतिआं। लफ्जी अर्थ जी जे सतगुर सिमरंत, यह पहली तोक सिमरंत है अगली तोक सिमरंत है। पहला सिमरंत तत्ते नाल है अगे थत्थे नाल है। जे सतगुर सिमरंत इहदा अर्थ हो गया जिस सतगुरु का सिमरन कीतिआं नैण के तिमर मिटै खिन। इत्थे शब्द नन्ना यईआ ते नाणा, पर जदों ग्रैमर विच पढ़ो इहदा पाठ नाइन करना है। जिन्नी कु सानू जिवें पढ़ाया गया जिस सतगुरु का सिमरन कीतिआं, नैण का अर्थ है अखां नेत्र, तिमर का अर्थ है हनेरा। जे सतगुर सिमरंत नैण के तिमर मिटै खिन, इस गल नूं ध्यान नाल सुनियो। बड़े पढ़े ही जांदा सवैया
कि जिस गुरु का जिस सतगुरां का सिमरन कीतियां अखरी अर्थ ने अखां दा खनेरा एक खिन दे विच कटिया जांदा है। फिर लो भाई जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन तिमर दर्थ खनेरा खिन दर्थ अख चमकन जिन्ना समा जिस सतगुरु जी नूं चेते कीतियां एक खिन विच अखां दा खनेरा मुक जांदा है। फिर अगली गल इहदे भावअर्थ नूं अगे अर्ज करना जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन कमाल कर दिती जी पाठ साहब ने कहिंदे ने तू चाहना मेरे अंदर नाम चले एक बारी धन गुरु रामदास बोल के नाम जप तू गुरु रामदास बोलेगा ते नाम दिन ब दिन तेरे अंदर चढ़दी कला लैके आ जाएगा। फिर लभ जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन हृदय हर नाम तेरे खिरदे विच फिर बेनती हृदय दर ते खिरदा तेरे खिरदे विच नाम टिक जाएगा दिन ब दिन जिन्ना तू धन गुरु रामदास कूकेगा ना सच्ची मुची रब तेरे अंदर निवास कर जाएगा। ये मेरे लफ्ज नहीं गुरमुखो ये उन्हां महापुरखां दे लफ्ज ने जिन्हां ने गुरु रामदास नूं अपने नेत्रां नाल देखिया है सुनिया गल्लां नहीं कर रहे। जे सतगुर सिमरंत सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे वाहिगुरु जी की तपत पहले माखरी अर्थ कर देंगा फिर थोड़ी जी आप व्याख्या करांगे समय के लिहाज नाल क्योंकि मैं भी छे सत महीनों तो बाद बाहरों आया गुरु रामदास जी के चरण परसन वास्ते केवल सवेरे कथा भी शुरू करनी है। जिस गुरु जी नूं चेते कीतियां जिंद की तपश की है प्यारियो बाहर की तपश बंदा बर्दाश्त कर जांदा है अंदर की तपश कई जन्म बंदे का खैड़ा नहीं छड़दी। कहिंदे लोको जिहदा अंदर तपदा होवे सड़दा होवे एक बारी धन गुरु रामदास कहो दी जिंद नूं ठंड पै जांदी है। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जे सतगुर सिमरंत रिद सिद नव निद पावे जिस गुरु नूं चेते कीतियां ओ प्यारियो लोकी साधना करदे ने कि इहदे नाल मैनूं रिद्धि मिल जाए सिद्धि मिल जाए। मैं कई वारी कहिंदा गुरमुखो आ गुरु रामदास दी परिक्रमा विच लंघ के देखो इहदी सिल उत्ते पई कोई संगत दी चरणा दी धूड़ मत्थे ते ला लो उस धूड़ दे विच वी रिद्धियां सिद्धियां पईयां होईयां। जिस गुरु जी नूं चेते कीतियां रिद्धियां सिद्धियां ते नौ निधियां ने पर इथों तक उन्हां क्या नहीं केड़ा गुरु। फिर सुनो ये चार बचन सिर्फ इन्ने क्या जिस गुरु नूं चेते कीतियां थोड़े जे अर्थ मैं इहदे डिटेल नाल कर लईए आपां थोड़े जे खोल लईए जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खन खिन अखां ते तिमर दर्थ कीता हनेरा। गुरमुखो हनेरा कई तरह का है पर दो तरह का हनेरा आम दृष्टमान च हुंदा है एक चिट्टा ते एक काला। मैं दो शब्द वरत लगा अपने मन च आएगा भी हनेरा चिट्टा भी हुंदा हुंदा है आ दो महीनों बाद चिट्टा हनेरा पैना धुंद उहदा रंग चिट्टा पर खतरनाक वह काले हनेरे तो वध है। इसे करके भाई गुरदास साहब ने गुरु नानक साहब लई शब्द वरत्या सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद चिट्टा हनेरा बड़ा खतरनाक जे याद रखियो अनपढ़ बंदा उन्ना नुकसान नहीं करता जिन्ना ज्ञानी बंदा कपटी हो जाए तो नुकसान कर जाता है। ये लफ्ज नूं सुनियो जिहड़ी धुंद है वह चिट्टे पांदा भुलेखा पाती है पर खतरनाक इन्नी उस चिट्टे ते भरोसा करके जिहड़ा उहदे विच वड़ गया वो एक फुट भी नहीं देख सकता इतों तक कि चिट्टा हनेरा इन्ना खतरनाक कि सूरज चढ़िया हो भी पेश नहीं जान देता। आप कहने किन्ने दिन हो गए पंजाब सूरज ही नहीं वेख्या सूरज चढ़िया तो है पर चिट्टे हनेरे ने लुको लिया। एक हनेरा एक काला हनेरा यह कहड़ा हनेरा जिहड़ा गुरु रामदास जी के नाम लिया खत्म हो गया। साढ़े संप्रदायी गुरमुख ज्ञानियों ने अर्थ किए कि मन बुद्धि रूप नेत्र कि जेडे साडे बुद्धि रूप नेत्र ने अग्ञानता का हनेरा है ये कट दिता हो सकते ने अर्थ जी क्योंकि अर्थां नूं बन्निया नहीं जा सकता केवल। फिर मेरी बेनती है हुण असल च की है जदों असीं हनेरे की गल करने कि एक हनेरा आ मान लो
मैं धुंद का जिक्र किया जा मस्या की रात हो मेरे हाथ पैर नहीं दिसदे आप जी दे तुरद्या कपड़े नहीं दिसदे एक कदम नहीं दिसदा अंग नहीं दिसदे पर घट्टो घट यह तो समझ हुंदी है मेरा नाम की है मेरे घर का एड्रैस की है मेरे मापे कौन ने मैं किस शहर चा मैं जाना कित्थे वे इन्हां दा पता हुंदा है ना जी गुरमुखो बाहर दे खनेरे विच अंग प्रति अंग नहीं दिसदे पर इन्नी समझ हुंदी है मैं कौन खां मैं कित्थे जाना है जदो अंदर हनेरा घर घर जाए ना उदो बंदे नूं यही भुल जांदा है मैं कौन खां ते मैं जाना कित्थे वे गुरु रामदास दा नाम लवो ते अंदर दे अग्ञानता दे खनेरे भी कटे जांदे आ फिर बेनती अग्ञानता हनेरा बहुत वड्डा उंज वैसे गुरु दा लफ्ज़ी अर्थ ही वे जिहड़ा खनेरे नूं खत्म करके प्रकाश करदा है फिर बेनती जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिनो प्यारो एक खिन च मैं एक बार मंजी साहब बेनती की हो सकता है क्योंकि कथा जो रिपीट होंगी लफ्ज उ आ कोई कमरा ले लो तहखाना बेसमेंट ले लो कुछ ले लो उस कमरे नूं बंद खोया 500 साल हो जाए हमेशा 500 साल वरत रहे ताला लगा है अंदर खनेरा है ते जेकर कोई बंदा कहे जी मैं इस हनेरे नूं खत्म करना है ते अज्ञानी बंदा कहे भी 500 साल पुराना है जे इन्ना पुराना है ते कट दें भी इन्ने साल लगनगे ते सूझवान कहेगा नहीं तेनू समझ कोई नहीं हनेरा भावे 500 साल पुराना होवे दीवा बलन दी देर है ते सदियां दा हनेरा चला जांदा है अंदर कई जन्मां दा हनेरे च डुब्बा होवे एक वारी धन गुरु रामदास कहो कई जन्मां दा हनेरा चला जांदा क्योंकि दीवा बले अंधेरा जाए दीवे सामने हनेरा कित्थे रहना हनेरा चानण दी अणहोंद दा नाम जो हनेरा कुछ भी नहीं इस लफ्ज़ नूं गुरमुखो ध्यान नाल सुनियो अज्ञान कुछ भी नहीं सिर्फ ज्ञान दी अणहोंद है सियाने लोग कहिंदे सन कि एक वारी खनेरे ने जाके परमात्मा नूं कहा एक कहानी बनाई कि सूरज मैनूं टिकन नहीं दिंदा सूरज मेरे पिछे हाथ धो के पिया कहिंदे परमात्मा ने सूरज नूं कहा तू हनेरे पिछे क्यों पिया है तेरी शिकायत आई ते सूरज कहिंदा मेरे सामने तां लियाओ किन्ने मेरी शिकायत की क्योंकि सूरज दे सामने कदी खनेरा आ ही नहीं सकता मेरी फिर बेनती है ये एवें कविता नहीं कि अंदर दा खनेरा कई जन्मां दा होवे गुरु रामदास दी परिक्रमा च मत्था टेक के एक वारी शरदा नाल भिज के कह दे धन गुरु रामदास हो सकदा एक वारी धन गुरु रामदास कहा तेरे कई जन्मां दा खनेरा चुकिया जाए जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन दिन ब दिन धन गुरु रामदास बोल धन गुरु रामदास बोल जिन्ना गुरु रामदास बोलेगा तेरा अंदर नाम नल भिज जाएगा तीसरी बेनती जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जिस गुरु का नाम लिया जिंद की तपश मिट जाती है गुरमुखो तपदा अंदर पता केड़ा है काला अंदर बड़ा तपदा जी धुप च कभी परिक्रमा चल के देखियो हुण तां चलो विशाई हो गई है जिहड़ा काला पत्थर होवेगा उत्ते पैर रखियो वह चिट्टे नालों ज्यादा तपदा है काला रंग ज्यादा तपदा है ते जिहड़ा अंदर है ना जिहड़ा वाशना विच काला हो गया तपदा भी होवे अगली गल वह तपदा जिहदे अंदरों बाणी चली जाए जियो तपत कै बारो बार तप तप खपै बहुत बेकार जैतन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी विलज कोड़ी विलकद आतिश दुनिया महाराज कहने दुनिया च अग लगी है खुनक नाम खुदाया महाराज ने बाणी च कहा हर बिन जियो जल बल जाओ पहला शब्द श्री राग दा हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुरु पूछ देख्या अवर नागी थां गुरमुखो जदों कोई धन गुरु रामदास मुख तो बोलेगा ते पट कहने तेरे अंदर दी तपश खत्म हो जाएगी तेनू ठंड पै जाएगी गुरु रामदास क्या ही ठंड पै जांदी प्यारियो महाराज कह रहे ने जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे
जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावे। गुरमुखो केड़ी चीज है जिहड़ी गुरु रामदास दे घर च नहीं? सच्ची जे बड़ी संगत आई, क्योंकि मैं कई बार सोचना जिन्ना का महाराज का इतिहास है ना जी, साडे कोल महिमा प्रकाश गुरप्रताप सूरज पंत प्रकाश जां थोड़े बाते वारतक ने, सच्ची जे 47 साल के करीब सतगुरां दे जीवन नूं असीं पढ़ने ते साखियां सारियां तकरीबन 10 क साखियां विच सारी गल समेटी जांदी। साडे कोल खिमा करियो, इन्ना वड्डा इतिहास का खजाना नहीं, पर उस तो वड्डी कृपा वे साडे कोल गुरु रामदास जी की बाणी का खजाना। देखो हुण गुरु रामदास क्या की मिलता है, सेवा लगी जी इत्थे उदो सरोवर की सेवा हो रही। मैं ऐदकी अर्ज करांगा थोड़ा थोड़ा समा कढ़ के, गुरु अमरदास जी मोड़ी गढ़ के गए जी शहर की, गुरु रामदास जी ने टप लवाया बाबा बुढ़ा साहब जी तो। जो सेवा शुरू हो गई जी, संगतां बहुत दूर दूर तो आन, तो याद रखियो गुरु रामदास जी का एक नेम सी, जिथे जिथे हुण हरिमंदर साहब है ना जी, जो सरोवर नहीं सी पट्टिया गया, इत्थे सतगुरु गुरु रामदास महाराज दीवान लांदे रहे, इत्थे संध्या का दीवान लगदा सी, सारी संगत विश्राम जदों करदी सी सब नूं थाओ थाई पा के फिर सतगुरु अपने घर नूं जिथे गुरु के महल है इत्थे जाना। संगत बड़ी दूर तो आउंदी सी, वेखण वाले जोगी भी आए सरेबड़े भी आए। इसे सेवा दे दरमियान आप जी नूं पता होना बाबा श्री चंद जी भी आए सन, इसे सेवा दे दरमियान वह भी लोग आए जिन्होंने एक बारी धन गुरु रामदास गया, अज तक उन्हां दी पुश्तां उस सुख नूं मान दियां पईआं ने। संतों नूं साखी सब नूं पता है संगत सेवा कर रही है। जेलम दे इलाके दा कुछ सोमान भाई सोमान कहिंदे आ, असल ज्यादा प्रचलित नाम है सोमा शाह, उन्हूं किसे कहा भी माझे दी आ धुनी च एक तीर्थ बंदा पिया है, तीर्थ लफ्ज नूं हेठ नहीं करनी, तीर्थ दा लफ्ज ही अर्थ है वे जिहड़ा पापां तो मुक्ति दवांदा होवे। तीर्थ गुरु भी कहे, तीर्थ नाम भी कहे, तीर्थ सतसंगत भी कहे, तीर्थ बन रहा है उत्थे जाके छाबड़ी ला तो सब नूं पता है। पर फिर मैं बेनती करा सिफत गुरु रामदास की, वह आ गया देखी बड़ी संगत जी, उन्हें अपनी छाबड़ी लाई। ज्ञानी ज्ञान सिंह उन्हें 6 दिन का जिक्र करते हैं, कहिंदे ने वह अपनी वटक उहदी पहले दिन बहुत होई, सच्चे पातशाह गुरु रामदास लंघे तो उन्हें दर्शन नहीं सन जे किते, वह तो रोटी कमाण आया। जदों महाराज लंघे किसे दस्या भी ये धन गुरु रामदास जी ने जी, तो सतगुरु का जी जेडे दोनों नेत्र सन ना जी गुरु रामदास जी दे, ये कल्ली साखी नहीं 8 पैर भिजे रहिंदे सन। जे गुरु रामदास जी ने पुछो, असी इतिहास वाले तो पढ़ते हैं कहने ये महाराज के नेत्र नीर नाल पूरत रहिंदे सन, गुरु रामदास कहिंदे नहीं ये परमात्मा दे नाम अमृत नाल भिजे हुए, हर अमृत भिन्ने लोयना। महाराज अपनी गल कर रहे हैं, हर अमृत भिन्ने लोयना मन प्रेम रतन्ना राम राजे, साडा अंदर प्रभु दे प्रेम च इन्ना भिजे नेत्र भिजे मारे तुरे जाते ने। यह अगे दौड़ के गया, खुशी इहनूं इह सी भी अज वटक होई ए। याद रखियो जदों बंदे नूं कुछ मिल जाता चा कुछ होर तरह का हुंदा, वह चा स्थिर नहीं हुंदा, थोड़ा इमोशनल बंदा हो जाता थोड़े समय लई, वह चा हो गया अगे जाके मत्था टेकिया ते महाराज जी इहदे वल देखिया, सतगुरु सच्चे पिता गुरु रामदास सोढी पातशाह जी ने कहन लगे कित्थों आए, कहिंदा जी जेलम दे इलाके तो छाबड़ी लाई सी। महाराज कहिंदे वटक होई जी खां, कहन लगे एडा वड्डे जग लगा संगतां सेवा करनियां बड़े पैसे दी लोड़ है, किन्ने वटे नी उहदे भाग चंगे हो गुरमुखो, जिहड़ा पल्ले बन्निया सी खोल के कहिंदा महाराज आ वटे आ, कहिंदे सेवा च पा दईए सत बचन जी पा दिओ। रात नींद कोई नहीं वैसे पई, क्योंकि खरबली जी अंदर पई रही, मैं आया कदे लई पता नहीं किन्ने कु फुरने उठे होणगे भी इहना क्यों पैसे लै लै। दूजे दिन संगत विचों टका लभ गया कीर्तन चों, दूजे दिन जी फिर आए महाराज,
तीजे दिन फिर आए, चौथे दिन, पांच दिन गुरु जी ने आवाज दी किन्ने वटे, ओ गुरमुख छेवें दिन तक रज चुका सी। छेवें दिन उठ के महाराज की आवाज पैन तो पहला आप जाके खड़ा होके कहना महाराज अज सब तो ज्यादा वट कोई। महाराज जी ने कहा यह अपने को रख, अपने को होर माया दिती उन्हें। कह लगे कादे लिया है? सच्चे पातशाह सच दसा मेरे घर रोटी नहीं चलती। नाम की? सोमे शाह। महाराज ने तीन बचन कहे, सोमा शाह गुरु का शाह, तीसरा बचन किया बेपरवाह। प्यारे याद रखियो, सिर्फ इन्हें कहा ना सतगुरु नु अदब नाल ही बुलाया, सोमा शाह गुरु का शाह बेपरवाह। इन्हां दी अंश विचो होए ने मेहर शाह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उन्हूं खिताब दिता सी बख्शंद फरजान, शायद आप नूं पता होवे। इसे भाई सोमे शाह दी अंश वंश विच होए ने गोबिंद सिंह शाह। आ जदों 1923 च सेवा हुई वो हत्थी सेवा करना है। मैं फिर बेनती करांगा, गुरु गोबिंद सिंह ने इस परिवार नूं कहा बख्शंद फरजंद, इहदा मतलब बख्शे हुए पुत्र। महाराज ने कहा सोमा शाह गुरु का शाह बेपरवाह, नाल कहा जा अज तो बाद तेनू शाह पुणा दे दिता, तेरे घर च कदी किसी चीज का तोटा नहीं आएगा। मैं गुरमुखो तुहानू जिहड़ी बेनती कर लगा, जिहड़ा सवैया है ना इहदे च कल्ला रिधियां सिद्धियां नहीं कहा, इहदे च कहा तू धन गुरु रामदास कहेगा तेरी दुकान चल जाएगी, तू धन गुरु रामदास कहेगा तेरा खेत चंगी फसल देगा, धन गुरु रामदास कहेगा तेरी औलाद नूं सुख मिलेगा। पर जे निरंतर गुरु रामदास तू जपदा रहा, एक दिन इस मोह तो उपर उठेगा, तेरे अंदर नाम वस जाएगा। महाराज दे शब्द, जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद नव निद पावै। केड़ा सतगुरु जी, केड़े सतगुरु जी महाराज? भट जी दसो खां, गुरु नानक साहब कहते हाँ हाँ जो तो ही आ, सोई रामदास गुर बल भण। ये जे सतगुरु का अर्थ इस तुक विच है, उत्ते सी जे सतगुर सिमरंत, जे सतगुर सिमरंत ये आया। इत्थे बरुत्र केड़ा सतगुरु? कहन लगे सोई रामदास गुर बल भण, कहने वो सतगुरु का नाम धन गुरु रामदास है। भट बल जी कहने उस गुरु नूं गुरु रामदास कहिंदे आ, सोई रामदास गुर बल भण। फिर अगे कहने संगत जी बोलो खां धन धन गुरु रामदास जी, सच्ची लो वो शब्द कह रहे ने, सोई रामदास गुर बल भण, मिल संगत धन धन करो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सच्ची सानू कह रहे सारी संगत बोलो जी धन धन गुरु रामदास जी, धन धन गुरु रामदास जी। क्योंकि सी सानू इत्थों ना क्या बचन कमा लो तुसी, सोई रामदास गुर बल भण, मिल संगत धन धन करो। ये सतगुरु जी होर की मिलेगा? कहन लगे तेनू प्रतख रब मिल जाएगा। सुनो, मिल संगत धन धन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो भरे पुलखो। जिस गुरु रामदास दा नां लिया परमात्मा मिलदा है ना, उस गुरु रामदास नूं चेते करिया करो। ऐसे दीन दयाल धन गुरु रामदास जिन्हां दा जिक्र हर साल आपां करने आ, ते मेरी यही बेनती है तुसी गुरु साहिब दे घर च रोज जाण वाले बैठे हो, अरदास करिया करो धन गुरु रामदास सानू टिका बख्शो, बंदगी बख्शो। इस वरे दे दीवान दी आरंभता अज दे इस दीवान तो है, मैं मैनेजर साहब बैठे ने सारे गुरमुख इन्हां दा धन्नवाद। मेरे वीर भाई तरलोचन सिंह जी बैठे आ, सपुत्र ज्ञानी चेत सिंह जी, मेरे वीर भाई नरिंद्रपाल सिंह जी, जिहड़े सच्ची लोवी मैनूं ये आप संगतां दे दर्शन दीदार कराउंदे आ। ऐस वरे फिर सतगुरां मेहर कीती आप जी दे दर्शन लई हाज़र होया, भावें मैं कई दिनां दा, मैं 6 महीने रह के आया बाहर, वो मेरी नींद दा बड़ा अपसैट होया पिया है ना, पर सवेरे फिर आप कृपा करियो असीस बख्शियो, आपां सारे रल मिल के सिफतां करिए। ते मेरी बेनती है
कि गुरमुखो ये सठ सवैये ने ना दस दस रोज दे पढ़ लिया करो, जेडे पढ़ते मुबारक दस दस रोज पढ़ो तो गुरु रामदास के पुरब तक ना रोज़ गुरु रामदास दियाँ सिफतां करो। सठ ने ते अपने दिन भी किन्ने कु ने, अच्छे अच्छे साथ। मेरी इच्छा है भी जिस गुरु साहब की इन्नी सिफत की है तो आप कथा कर रहे हैं, आप उन्होंने क्यों ना पढ़िए जेड़े सामने खलो के सिफतां पकड़ते। भट्ट साहब जी दे सवैये।